हेलो बच्चों, दिस इज आप जी वेलकम यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड अपने पिछले लेक्चर तक हम लोग नर्स्ट इक्वेशन तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और नर्स्ट के सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं, जितने भी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स नर्स्ट में आ सकते थे हमने वो लास्ट लेक्चर में सारी वैरायटी कवर कर ली है। क्लियर। अपने इस लेक्चर में हम लोग वो लास्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बन सकता है वो करने वाले हैं। क्लियर। एंड देन वी विल मूव इन दिस फर्दर चैप्टर टू द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। फाइन। सो सबसे पहले वो जो लास्ट कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर रहता है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म के न्यूमेरिकल है ये, देखिएगा जरा। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रोड फ्रॉम गिवन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से तीसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। क्लियर। सोचिए ये कैटेगरी पहले कवर नहीं हुई है। पहले हमने ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, दोनों को जोड़ के क्या E नॉट ऑफ सेल बन गया है, या फिर अकेले का क्या E नॉट है, अगर हमने कंसंट्रेशन बदल दी है तो क्या है, ये सब केसेस हो चुके हैं। जब कंसंट्रेशन बदल देते हैं तब वो नर्स्ट बन जाता है, इजंट इट। एंड जब बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि एनोड या कैथोड को जोड़ रहे थे तो सेल पोटेंशियल बन जाता है, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं पड़ा कि दो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल दिया हुआ है, तीसरे इलेक्ट्रोड का निकालना है, ऐसी कोई कैटेगरी सॉल्व नहीं हुई है। फाइन। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो भाई हमारे पास जो सबसे पहली इक्वेशन है वो ये है कि अगर हमें Cu+2 विल टेक टू इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cu है। फाइन। कॉपर प्लस टू जो आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा है। क्लियर। एंड जो हमारे पास कॉपर है वो कॉपर प्लस बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सपोज हमारे पास ये दोनों E नॉट गिवन है, E नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू से कॉपर गिवन है, ठीक है ना। एंड E नॉट ऑफ कॉपर से कॉपर प्लस वन भी गिवन है, कॉपर से कॉपर प्लस वन गिवन है, कॉपर प्लस टू से कॉपर गिवन है। क्लियर। एंड हमें अगर हम इन दोनों को जोड़े देखो क्या बनेगा, ये कट गया, कॉपर प्लस टू विल टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कॉपर प्लस वन, ये बन गया। एंड वी नीड टू कैलकुलेट कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस वन। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, हमने इनको तो डायरेक्टली जोड़ दिया, देखिए क्या हुआ है, कॉपर प्लस टू विल टेक टू इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कॉपर, एंड कॉपर बिकम्स कॉपर प्लस वन एंड वन इलेक्ट्रॉन। अगर हम ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाना चाहें रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाने से पहले सोचिए, ऐसा कुछ का पहले कभी किया है? बिल्कुल किया है, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें एक पार्ट था थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें हम ये सब करते थे। फाइन। क्या करते थे, दो इक्वेशंस जो गिवन है उनको इस हिसाब से रखे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाए, ये इस हिसाब से रखा कि रिक्वायर्ड बन गया। पर क्या यहाँ पे ये जो चेंज रिक्वायर्ड है इसका आंसर x plus y है? मैं आपको बता दूं, नहीं है। इसलिए ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 के हिसाब से सॉल्व नहीं होगा। फाइन। मतलब ये इस तरीके से ऐड हो गई इक्वेशन तो सही बन गई, पर ये निकालने का तरीका ये नहीं है। एंड द रीजन कि ये नहीं है वो ये है कि ये जो E नॉट है ये एक इंटेंसिव चीज है। वो जो आप क्लास 11th में थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते थे डेल्टा एच, वो एक अलग चीज है, एक्सटेंसिव चीज है। एनर्जी इस बात के ऊपर डिपेंड करता है स्टोकियोमेट्री कितनी है। E नॉट एक इंटेंसिव चीज है, सीधा एडिटिव नहीं है, दिस इज नॉट एडिटिव। एडिटिव का मतलब समझिए जो सीधा जुड़ नहीं सकता,
भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इस कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री है एंड बाजू वाले कमरे का टेम्परेचर भी 25 डिग्री है, मैंने अगर दोनों के बीच के दरवाजे को तोड़ दिया है तो भाई हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री नहीं होगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टोटल कमरे का जो पूरा वॉल्यूम है ये डबल हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि एक्स वॉल्यूम मेरा है एक्स उसका है, जुड़ के 2x हो गया, मान लिया वॉल्यूम भी बढ़ गया, मास ऑफ द कमरा बढ़ जाएगा क्योंकि कमरा ही बड़ा हो गया, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर तो मेरा भी 25 था उसका भी 25 है, तो अब ये जो अगर दरवाजा खोल भी दिया या बीच की दीवार तोड़ भी दी तो भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 25 ही रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर एक इंटेंसिव चीज है, इंटेंसिव चीज क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इज दैट क्लियर। इस बात को मैं ई नॉट की लैंग्वेज में प्रूव करके दिखाता हूं, मतलब अगर कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा है एंड इसका ई नॉट प्लस 0.34 है, तो अगर मैं इसको ट्वाइस करूंगा, ट्वाइस कैसे होगा कि यहां पे टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये अगर ये भी बनेगा तो भी ई नॉट प्लस 0.34 ही होता है, क्योंकि जो ई नॉट है किसी भी इलेक्ट्रॉड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, किसी भी इलेक्ट्रॉड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ये एक स्टैंडर्ड चीज है, ये एक इंटेंसिव चीज है, इसको दो से मल्टीप्लाई या दो के डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फाइन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको इस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि ये एक इंटेंसिव चीज है, अगर ये एक इंटेंसिव चीज है तो ये डायरेक्टली एडिटिव नहीं है, डायरेक्टली एडिटिव नहीं है से क्या पता चलता है कि ये सीधा एड रिएक्शन चाहे हो जाए पर उसका ई नॉट इस तरीके से नहीं निकलेगा, इज दैट थिंग क्लियर। तो अगर ई नॉट इस तरीके से नहीं निकलेगा तो फिर कैसे निकलेगा, अरे इस तरीके से नहीं निकलेगा तभी तो ये एक खास वैरायटी है, फाइन, तो देखिए किस तरीके से निकालना है, हम बेसिकली एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ये निकालेंगे, फाइन, और वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है गिव्स फ्री एनर्जी, क्लियर, इंटेंसिव को जोड़ नहीं सकते तो एक्सटेंसिव लेके आनी पड़ेगी, क्लियर, तो लेट्स देखिए कैसे है, इसी बात के लिए अलग है क्योंकि ये सीधा ऐड नहीं हो सकता, अगर सीधा ऐड हो जाता फिर तो बहुत आसान था, क्लियर, देखिए क्वेश्चन, सो हियर वी हैव अ न्यूमेरिकल टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रोड, क्लियर, यानी कि इस इलेक्ट्रोड को निकालना है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, तो इसको बचाने के लिए हम पहले ही पार्टीशन कर लेते हैं, क्या गिवन है देखिए, कॉपर प्लस टू से कॉपर ये बनेगा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ई नॉट आ गया 0.337, क्लियर, मैं इसे 1 लिख लेता हूं फाइन, किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, एंड दिया क्या हुआ है कॉपर +1, अगर वो +2 में जाना चाहता है तो डेफिनेटली वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसको मैं ई नॉट ऑफ 2 लिख लेता हूँ, ये है -0.153, क्लियर, और चाहिए क्या, चाहिए हमें कॉपर +1 से कॉपर, पहले तो ये देखो कि क्या इसको सही करना पड़ेगा, लकीली यहाँ पे हमारे पास बहुत फायदा हो रहा है कि ये कॉपर +2 तो डायरेक्टली कट रहा है एंड कट के हमारे पास एक्चुअली में यही बन गया जो हमें चाहिए, लो यही हमें चाहिए और यही बन गया, पर यहां पे ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा, हमने इसका डेल्टा G1 ले लिया, इसका डेल्टा G2 ले लिया, इसका डेल्टा G3 ले लिया, यहां पे जो आएगा उसे मैं E3 नॉट लिख लेता हूं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, E नॉट तो नहीं पुट किया जा सकता ना, बड़ा सिंपल सा हम सॉल्व कर चुके हैं, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करके ये आंसर नहीं आ सकता, इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई है, जो हमें दो चीजें गिवन थी, दो इलेक्ट्रॉड्स, तीसरा इलेक्ट्रॉड चाहिए था, उससे इक्वेशन रिक्वायर्ड आ गई है, पर E नॉट को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता, क्लियर, डेल्टा जी ही किए जा सकते हैं, डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव चीज है, अगर हम इसको समझे तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव चीज है, एक्सटेंसिव चीजों को ऐड किया जा सकता है, क्लियर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा G3 स्टैंडर्ड है तो ये भी सारे स्टैंडर्ड ही हैं, डेल्टा G3
इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट, क्लियर। एंड ये क्या बन गया, माइनस एन एफ ई थ्री नॉट माइनस एन एफ ई वन नॉट माइनस एन एफ ई टू नॉट, पुट कर दिए डेल्टा जी की वैल्यू एस माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है ना। हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, नल से पहले भी हम कर चुके हैं ये वाली चीज, क्लियर। तो यहां पे थर्ड इक्वेशन में देखिए एन में कितना है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ये है वन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वन, एफ में काट देता हूं हर तरफ से, तो यहां पे आ गया माइनस वन इंटू ई थ्री नॉट। यस, फर्स्ट इक्वेशन में एन कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में एन है टू, सो ये आ गया माइनस ऑफ टू इंटू, इसका ई वन हमें दिया हुआ है 0.337, क्लियर। देन सेकेंड इक्वेशन के अंदर एन कितना है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है एक, तो यहां पे 1 इनटू ये हमारे पास है माइनस ऑफ 0.153, फाइन। अगर हम इसे सॉल्व करें ये माइनस ऑफ ई थ्री नॉट आ गया, दिस इज माइनस ऑफ ई थ्री नॉट, यहां पे अगर हम देखें तो ये आ गया है माइनस ऑफ 0.674 एंड ये प्लस का 0.153, फाइन। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बन गया है माइनस ऑफ ई थ्री नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.521 एंड अगर मैं ये माइनस हटा दूं तो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइन। यानी कि ई थ्री इज इक्वल टू प्लस के 0.521 वोल्ट आ गया है, क्लियर। जो कि देखा जाए तो इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन नहीं था, इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन नहीं है ये, क्लियर। मतलब कहां से सॉल्व किया हमने, डायरेक्ट एडिशन से नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि E एक इंटेंसिव चीज है जबकि G एक एक्सटेंसिव चीज है। हम अगर इलेक्ट्रोड सेम मेटल के इलेक्ट्रोड के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड पे ही जाना चाहते हैं, सेल नहीं बना रहे, सेल का देखो अपना एक फंडा है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, राइट वाले में से लेफ्ट वाला माइनस करना है, ई नॉट ऑफ सेल, उसका अपना एक फंडा है, सेल का अपना एक फंडा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अपना एक फंडा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहता है कि यू कैन नॉट सिंपली ऐड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, क्या कहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहता है यू कैन नॉट सिंपली ऐड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, आपको उनको डेल्टा जी के बिहाफ पे ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये लीजिए डेल्टा जी के बिहाफ पे ऐड कर दिए, क्लियर। एंड डेल्टा जी के बिहाफ पे ही हमें रिक्वायर्ड ई नॉट निकालना है, is that thing clear, because delta g is extensive property, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी टाइप का पर एक अलग लैंग्वेज में, let's have it. So next is a very interesting question. In this diagram given below, आपको निकालना है x, ये रहा भाई सब x, clear? Copper plus 2, copper plus 1 में जा रहा है तो e naught प्लस 0.15 वोल्ट है, क्लियर। एंड कॉपर प्लस वन जब कॉपर में जा रहा है तो ई नॉट प्लस 0.50 है, और आपको निकालना है जब कॉपर प्लस टू कॉपर में जाएगा तो कितना ई नॉट आएगा, फाइन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, ये जो रिप्रेजेंटेशन अपने आप में बड़ी खास है, इसीलिए इसे लैटिमर डायग्राम के नाम से जाना जाता है, क्लियर। अमेरिकन साइंटिस्ट लैटिमर के नाम के ऊपर ये रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है, फाइन, क्योंकि उसने इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझाया था, क्लियर। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इस पर्टिकुलर मुद्दे पे आते हैं कि ये ई नॉट कितना आएगा। अगर किसी के दिमाग में बड़ा फनीएस्ट आंसर आता है, दिस इज 0.15, दिस इज 0.15, तो ये 0.65, ठीक है ना भाई, चने खाने के बराबर नहीं है आईआईटी, फाइन। अगर 0.15 और 0.50 सीधा ऐड होके ये आंसर आ रहा होता, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग बी आंसर होता। देखो ऑप्शंस बड़ी जबरदस्त होती हैं, ऐसी ऑप्शन दी जाती है जिसमें पक्का ही आपका गलत वाला आंसर भी पड़ा हो, क्लियर। अगर ये डायरेक्टली ऐड होके ये 0.65 होता, ठीक है ना, तो वो जो नहीं पढ़ रहे होते ना उनका भी यही निकल जाता, क्लियर। तो ये इतना आसान तो है नहीं है, तो
तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉपर प्लस टू, अगर कॉपर प्लस वन में जाना चाहता है तो ये ऐसा आएगा, इसका ई नॉट हमें दिया हुआ है प्लस 0.15 और डेल्टा जी नॉट वन में मान दो, क्लियर, नॉट ऊपर वन नीचे, कोई दिक्कत। दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है कॉपर प्लस वन विल टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कॉपर, इसका ई नॉट जो है वो प्लस 0.50 है एंड ये डेल्टा जी टू है, कोई दिक्कत। हमें जो चाहिए वो ये है, कॉपर प्लस टू विल टेक टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कॉपर एंड वी नीड दिस थिंग, दिस इज वन, दिस इज टू, डेल्टा जी थ्री नॉट हम निकाल, दिस नीड्स टू बी डन, चाहे आंसर 0.65 भी आ जाए, नहीं आएगा वैसे तो, पर आपको ये करके देखना पड़ेगा, इस तरीके से डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, because E naught is an extensive property, clear? तो यहाँ के बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट, दिस इज माइनस एन एफ ई थ्री नॉट माइनस एन एफ ई वन नॉट माइनस एन एफ ई टू नॉट, क्लियर। अगर मैं यहां से सबके एफ निकाल दूं, थर्ड इक्वेशन के अंदर एन कितना है, टू, माइनस ऑफ टू ई थ्री नॉट, फाइन, अगर हम माइनस भी प्लस कर लें सारे तो टू ई थ्री नॉट, फर्स्ट इक्वेशन में यस एन कितना है, वन, वन इन टू दिस इज 0.15 प्लस एन, सेकेंड इक्वेशन में भी वन है एंड यहां पे जो ई नॉट है दैट इज 0.50, अल्टीमेटली टू ई थ्री नॉट 0.65 आ गया एंड ई थ्री डिवाइड बाय टू यानी कि 0.325 आ गया। समझे क्या हुआ, बी आंसर नहीं आया, क्या आया, सी, बिकॉज ये डायरेक्टली एडिटिव नहीं है। फाइन, दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रोड फ्रॉम द टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो कि डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकालना है। हैव अ लुक अगेन, ये अगर सीधा ऐड होता तो यहाँ पे 0.65 आता, जबकि ऐसा नहीं करना है, दोनों का इक्वेशन जो गिवन है लिखना है, रिक्वायर्ड जो है वो अलग लिखना है, और अगर ऊपर वाले को सीधा या उल्टा करना है कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लकीली यहाँ पे कोई उल्टा नहीं करना था, जैसा है वैसा ही है। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टाओगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये कंफर्म है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने तीनों पर डेल्टा जी दिया, डेल्टा जी को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इन दोनों को ऐड करके जब ये बना है तो इन दोनों डेल्टा जी को ऐड करके ये बना होगा, बिकॉज डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव चीज है, क्लियर, एक्सटेंसिव चीजें जोड़ी जा सकती है, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास, वहां से ये आ गया है एंड देन वी हैव द आंसर दैट इज 0.325 वोल्ट, कोई दिक्कत, क्लियर। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में बेसिकली इलेक्ट्रोड्स का एक लगभग काफी पार्ट खत्म हो गया है, इक्वेशन न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो गया है, देन ये एक नई चीज आती है इस चैप्टर में, दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑल, ये सारे का सारा पार्ट अपने आप में एक, वैसे तो चीज तो सारी रिलेटेड ही है पर फाइन, तो पर थोड़ा सा फिर भी अलग सा पार्ट है, अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। सो विल स्टार्ट द पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिकली ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिक करंट यूज करने का टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। बेसिकली ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने का जिससे एक केमिकल चेंज लाया जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसको एक और लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, द प्रोसेस ऑफ
डूइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? कोई भी यानी कि मैं एक एग्जांपल से सीधा बात करता हूँ, ठीक है ना। हमने वैसे पढ़ी हुई है क्लास 11th में ये एग्जांपल, या 10th में भी पढ़ी होगी आपने कईयों ने, एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में काफी बार पढ़ा हमने क्लास 10th में ये एग्जांपल, अगर आपको याद हो। नहीं याद तो मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन चैप्टर में, इनऑर्गेनिक के हाइड्रोजन चैप्टर में, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में हमने ये किया था कि एक्वस मींस H2O, NaCl इज NaCl। अगर मैं इसके आयंस देखूं तो ये H+ एंड OH- है, एंड इसके देखूं तो ये Na+ एंड Cl-। क्लियर? हम बात करते होते हैं कि H+ आयन एंड Na+ आयन, ये दोनों लोग इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन बनना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बनना चाहता है, फाइन। पर होगा कौन सा? ये वाला, फाइन। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा आयन जीत रहा है ये बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली ये बंदा इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना चाहता है, जबकि ये बंदा क्लोरीन प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। कौन जीतेगा? ये वाला। और आपको याद होगा फिर अगर ये दोनों रिएक्शन नहीं होंगे तो हम बोलते थे कि इन दोनों को मिला के बनता है NaOH। आपने ये रिएक्शन क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, H2O plus NaCl becomes hydrogen plus NaOH plus Cl2। This is the reaction. This is done with the help of electrolysis। ये जो हुआ है ये किसकी हेल्प से हुआ है? इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से हुआ है। ये H+ आयन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हुआ रिडक्शन। कैथोड पे हुआ होगा ये रिडक्शन, एंड एनोड पे हुआ होगा ये ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई दिक्कत? अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट में यार यही क्यों जीता? सोडियम क्यों नहीं जीता? यही क्यों जीता? ये क्यों नहीं जीता? ये तो बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फाइन। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। कौन सा इलेक्ट्रोड है, कितनी कंसंट्रेशन ली गई है उस इलेक्ट्रोड की, क्लियर? डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, किसके साथ कॉम्पिटिशन में है, ये बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं। क्लियर? सो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि NaCl है या कोई और है, ठीक है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, कितनी चार्ज डेंसिटी फ्लो कर रही है, कौन सा चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है। अब H+ जीत गया ये नहीं जीता, ये जीत गया ये नहीं जीता, That is because of these factors. Clear? तो एक एक करके इनके ऊपर भी बात करेंगे, पर पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड कुछ लॉस पढ़ते हैं, फाइन। एंड दैट वॉज गिवन बाय फैराडे, बड़ा फेमस बंदा है यार, ठीक है ना। फैराडे ने 1833-34 के आसपास अपने दो लॉस जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर काफी फेमस है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो दिए थे। क्लियर? तो क्या है वो लॉस, फाइन। और उसको पढ़ने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते वक्त
आपका इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, जैसे याद है वो जिंक खुद यूज हो रहा था, कॉपर खुद यूज हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है, उसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। एंड वो इलेक्ट्रोड जो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आपको याद होगा वो हाइड्रोजन के केस में अपन ने प्लेटिनम लगाया था, या बहुत सारे केसेस में मैंने बोला था वो गैसियस एंड एक्वस के केस में हम प्लेटिनम लगा देते हैं, उसे हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो नेक्स्ट इज फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कहना चाहता है द मास डिपॉजिटेड या रिलीज्ड या प्रोड्यूस्ड, मतलब चाहे मास इधर से निकल रहा है चाहे इधर बन रहा है, कितना रिलीज हो रहा है कितना प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग। तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। मतलब बड़ी सिंपल सी बात मैं बता दूं, चाहे वो जिंक से डिप्लीट हो रहा था तो कितना डिप्लीशन हो रहा है, चाहे वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि वेट यानी कि मास डिपॉजिटेड, फाइन, ये तो फिजिक्स तो है नहीं, है ना, मास और वेट एक ही बात है। क्लियर? तो वेट डिपॉजिटेड या मास डिपॉजिटेड इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि क्यू यानी कि चार्ज कितना है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द चार्ज, एंड अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये आ जाएगा जेड, एंड जेड क्या है, जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इज इट, इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये क्या पंगा है, ये तो शब्द ही नहीं सुना कभी। जेड क्या है, जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो मास डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, द मास डिपॉजिटेड व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज इज पास। कैसे बनी ये डेफिनेशन, अरे वही फिजिक्स का होता ना एक सिस्टम, क्या W इज इक्वल टू जेड इनटू क्यू, सपोज दिस इज वन, ठीक है ना, तो देयर फॉर क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू W, तो ये बन गई ना डेफिनेशन, करते होते हैं ना फिजिक्स में ऐसे, वो R इज इक्वल टू रो एल बाय रेजिस्टेंस वाले में भी करते होते हैं क्या, कि अगर इसकी वन ले लें तो ये उसके इक्वल आ गया है, ऐसा ही फंडा है सारे का सारा। क्या, सो क्यू अगर वन है, क्लियर, तो क्यू अगर वन है तो ये Z किसके इक्वल आ गया, W पे, यानी कि W क्या है, वो मास डिपॉजिटेड जब एक कूलम का चार्ज पास किया जाता है। क्लियर, काफी कूल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक कूलम के चार्ज पास होने से जितना मास डिपॉजिटेड होता है उसे हम बोलते हैं Z। क्लियर, अब बात करते हैं Q की। Q बेसिकली है चार्ज, एंड चार्ज हमें बेसिकली पता है क्या होता है, करंट इनटू क्यू, हमारे पास निकल के आ गया है आई इंटू टी, क्यू क्या निकल के आ गया है आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता है, कोई भी दिक्कत है? क्लियर, तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं।
तो इसको और सॉल्व करने में देखो मैं थोड़ा डिराइव करके लाता हूँ, जेड कहाँ से डिराइव होगा। एक बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एजी प्लस है विल टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एजी, क्लियर, बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। तो इसका ये जो 1 मोल बनाना था उसके लिए हमारे कितने इलेक्ट्रॉन लग गए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग गए मानते हैं, बस 1 मोल मेटल डिपॉजिट कराने के लिए हमारे क्या लग गए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लग गए, फाइन। यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल या इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, क्योंकि यहां तो इक्विवेलेंट और मोल एक ही बात है, क्लियर। तो 1 मोल के इलेक्ट्रॉन लग गए, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि एवोगैड्रो उससे क्या डिपॉजिट हुआ, एक इक्विवेलेंट सिल्वर डिपॉजिट हुआ। एनए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कितना चार्ज हुआ टोटल, चार्ज की फॉर्म में देखते हैं, एनए है 6.02 × 10⁻²³। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी कि इतना चार्ज लग गया, इतना ज्यादा चार्ज लग गया एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट कराने में, क्लियर। ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 96487 कूलम्स, ये लग गया एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट कराने में, क्लियर। एंड अगर मैं 1 कूलम के लिए कैलकुलेट करूं तो ये बन जाएगा एक इक्विवेलेंट का मास, यानी कि इक्विवेलेंट मास अपॉन 96487। अब ये बेसिकली क्या निकल के आ गया है, जेड क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ध्यान दीजिए, अगर एजी का 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, एजी प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है तो 1 मोल डिपॉजिट कराता है, फाइन। आप इसको एक और वे में भी समझ सकते थे, अगर मैं दो वाला ले लूं, सपोज मैग्नीशियम प्लस टू विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम 1 मैग्नीशियम, तो यहां 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल बनाता है, इसका मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, यहां पे 1/2 मोल आ जाएगा, एंड 1/2 मोल मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम, समझिए इस चीज को, क्लियर है ना, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में भी इक्विवेलेंट वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। नहीं क्लियर तो इक्विवेलेंट पढ़ सकते हैं, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन से एक इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है, 1 मोल के इलेक्ट्रॉन से एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, 2 मोल से यहां पे तो 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, जबकि 1 मोल से इक्विवेलेंट एक ही डिपॉजिट होता है, क्लियर। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे, तो 1 मोल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज आ जाएगा, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवोगैड्रो मतलब दिस नंबर एंड इलेक्ट्रॉन मतलब दिस मच चार्ज, तो टोटल अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 96487 कूल्स, फाइन। तो अल्टीमेटली इतना चार्ज चाहिए एक इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट कराने के लिए, किसका, सिल्वर का। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करा देगा, उसका इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96487, क्लियर। एंड अपनी नॉलेज के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, 96487 कूलम को भी 1 फैराडे बोला जाता है, 96487 कूलम को 1 फैराडे बोला जाता है, यानी कि 1 फैराडे एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करा देता है। यहां पे सिर्फ ध्यान देने वाली बात जो आपको लिखने वाली है वो सिर्फ ये है कि 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करा देता है या रिलीज करा देता है, एक ही बात है, क्लियर। एंड 1 कूलम कितना कराएगा, 1 फैराडे एक इक्विवेलेंट मास कराएगा, तो 1 कूलम एक इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96487, इसको हम
कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 भी लिख देते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? दिस इज सेट। समझिए इतनी चीज हमें एंड पे आनी चाहिए। अगर हम ये तो देखो सिर्फ एक टेक्निकल ब्रीफनेस है जो मैंने टॉपिक में डेप्थ में जाने के लिए करी है ये सारी चीज, क्लियर? हमें एंड पे सिर्फ इतनी की बात क्लियर होनी चाहिए। 1 फैराडे जिसका मतलब है 96487 कूलम, फाइन। ये कहां से आया? ये इन दो शब्दों का मल्टीप्लाई है, एक तो एवोगैड्रो नंबर का और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का, क्लियर? इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो ये नंबर बनता है। इतने कूलम का चार्ज एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट कराता, हमेशा याद रखना, एक मोल जो है वो एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट कराता है। एंड एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? हाउ मच चार्ज इज कंटेन्ड बाय वन मोल इलेक्ट्रॉन, हाउ मच चार्ज इज कंटेन्ड, मान लो यही क्वेश्चन है, फाइन, राइट डाउन अ क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज कंटेन्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन मोल के इलेक्ट्रॉन मतलब एवोगाड्रो नंबर इनटू एक के ऊपर चार्ज, ये बनेगा 96487, ठीक है ना? तो ये जो कूलम चार्ज है ये एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करा देता है। इसका मतलब एक कूलम कितना कराएगा? इतने कराएंगे ये, तो एक कितना कराएगा? ये वो तो टॉफी लेने वाली बात है, 1 रुपए की दो है तो 5 की कितनी 10, वैसा ही वाला फंडा है। अगर 96487 कूलम से एक इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट हो रहा है तो एक कूलम से कितना होगा? दिस अपॉन दिस, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? सेट। इसी को क्या बोलते हैं? जेड। एंड जेड सॉल्व हो गया है, क्यू सॉल्व हो गया। लेट्स मेक द फाइनल इक्वेशन। सो द फाइनल इक्वेशन बिकम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इनटू क्यू। तो जेड बन गया है ई अपॉन 96500, बिकॉज इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 ऑलरेडी सॉल्व। क्यू बन गया है आई इनटू टी, यानी कि करंट पास्ट मल्टीप्लाई बाय फॉर हाउ मच टाइम, दिस इज द टोटल चार्ज, क्लियर? एंड चाहे तो यही एक फाइनल फॉर्मूला रख लो, या फिर इसको एक और भाषा में थोड़ा सा मेंड किया जा सकता है, दैट इज व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसमें थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, दैट इज इक्विवेलेंट मास की बजाय हम लिखें उसका मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू आई टी अपॉन 96500, कोई दिक्कत, क्लियर? सो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ। क्या था फर्स्ट लॉ, याद करिए एक बार, द मास डिपॉजिटेड या रिलीज, कितना मास रिलीज होगा या कितना डिपॉजिट होगा, जैसे कितना रिलीज होगा कितना डिपॉजिट होगा, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चार्ज कितना पास कर रहे हैं। चार्ज इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करंट कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, क्लियर? एंड इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड कौन सा है। जिसका जितना इलेक्ट्रोड उसी के हिसाब से उसका वेट ऑफ द पर्टिकुलर मेटल डिपॉजिट होगा। इज दैट थिंग क्लियर? सो इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, बेसिकली जो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से निकल के आ गया है। व्हाट इज दैट? W इज इक्वल टू जेड क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 96500 आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर आई टी अपॉन 96500। प्रीवियस फॉर्म्स आर देयर, फाइन, सारी की सारी फॉर्म्स लिख लीजिए, अब तक हम लिखते हैं न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है कि क्या कहना चाहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, यानी कि ये जेड दिया हुआ है कॉपर का, क्लियर? तो 0.003296 ग्राम पर कूलम इज द वैल्यू। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, हमें कॉपर का वो वेट निकालना है या मास निकालना है जो डिपॉजिट हो गया है। मतलब करंट ऑफ दिस मच करंट दिया हुआ है फ्लोइंग थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 50 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, करना क्या है? बहुत ही आसान है, W is equal to Z I T, ये लगा लेते हैं सीधा सीधा, तो है Q I T में सीधा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 0.003296, I कितना है? I है 0.5,
टाइम मिनट्स में है, ठीक है ना, 50 मिनट्स इसको क्या करना है, सेकंड्स के अंदर चेंज करना है, और भी 50 × 60 तो ये कितना आ गया है, दिस इज 0 0, ये कट के 0.3 आ गया, 0.3296, ये 30 आ गया है, ये 15 आ गया, 15 × 0.32, तो दिस इज बेसिकली 4.94 grams, approximately इतना का जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही आसान काम है, क्लियर। तो W is equal to ZIT from the first law of Faraday's for electrolysis, हमने लगा लिया है, Z हमें दिया हुआ था, I हमें दिया हुआ था, T हमें दिया हुआ था, सिर्फ इतना सा काम करना था, जो T है वो सेकेंड्स में पुट करना होता है, क्योंकि बस इतना ध्यान रखा करो यार, ये जो यूनिट्स हैं, इसके जो यूनिट्स हैं उसी हिसाब से इसके यूनिट्स मैच करके हमें यहाँ पे मास डिपॉजिटेड इन ग्राम्स रह जाना चाहिए। फाइन, सिंपल सा फंडा है, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। फाइन, लेट्स हैव इट। So next is, consider the reaction, this particular reaction is given, what is the quantity of electricity, electricity का quantity निकालना है, कितना basically मतलब charge है, clear, what is the quantity of electricity in coulombs, coulombs में answer आना चाहिए, ये हमारे पास, needed to reduce 1 mole of Cr2O7, इस बंदे को reduce करना है, इसके 1 mole को reduce करने के लिए, अगर क्लियर है, 1 मोल यहां पे रिड्यूस हो रखा है सारा, बैलेंस इक्वेशन दी हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6, 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल, अगर मैं सीधा ही आंसर निकालूं तो, एंड 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 6 × Avogadro नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड Avogadro इनटू इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फैराडे, सीधा ही लिख लो ना यार, 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे जितने इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने फैराडे चाहिए होते हैं, 1 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 6 फैराडे, अब 6 फैराडे को चार्ज में रिप्रेजेंट करना है तो क्या आ जाएगा, 6 × 96487 इज इक्वल टू आंसर, मतलब ये अल्टीमेटली यही है, चाहे आप ये वैल्यू पुट कर लेना चाहे ये कर लेना सेम ही आएगा, मतलब दिस इज एक्चुअली में इक्वल टू 6 × 96487, ये भी वही चीज बन रही है जो 6 × 6.02 × 10⁻²³ × 1.6 × 10⁻¹⁹ करके आएगा, कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन से देख ही पता चल जाता है, इसके 1 मोल के लिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल मतलब 6 फैराडे, 6 फैराडे मतलब 6 × 96500, डन, कोई दिक्कत, क्लियर। एक ऐसा ही और करके देखते हैं within 1 second, कैसे आंसर निकालना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्लियर, लेट्स हैव इट। सो वन मोर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, भाई क्वेश्चनों को भरमा रहा है, पर एक बात याद रखिए, ये जो पार्ट है ना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्लियर, न्यूमेरिकल बहुत आएंगे, जब भी आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शुरू करोगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करोगे, ऑब्जेक्टिव करने स्टार्ट करोगे, तो आप फील करोगे इस बात को कि यार इस पर्टिकुलर पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं या एमसीक्यूज हैं वो ज्यादा हैं, क्लियर, पर ये पार्ट आसान है, क्लियर। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्लैटिनम मे बी डिपॉजिटेड, कितने मोल्स प्लैटिनम के डिपॉजिट होंगे, अगर 0.80 फैराडे पास किया गया है 1 मोलैरिटी सोल्यूशन, या ये बन गया, यानी कि 1 मोल के लिए इसके 4 मोल चाहिए एंड 0.80 के लिए इसके 0.2, डन, कोई दिक्कत, इतना तो बात करने में टाइम लग गया जितना क्वेश्चन करने में नहीं लगा, 2 सेकंड में आ जाना चाहिए आंसर, तो भाई 0.80 फैराडे या 4 मोल मतलब 4 फैराडे, सिंपल सा बंदा था, 4 मोल मतलब 4 फैराडे, 4 फैराडे से 1 मोल आया तो 0.80 फैराडे से 0.2 मोल आए, कोई दिक्कत। अगली बार पता क्या करना, ये जो ऊपर पावर लिखी हुई है ना इसी को देख लो बस, ये जो ऊपर पावर लिखी हुई है प्लस, अगर आपको ये पूछा जाए कि इसके कितने मोल्स आ रहे हैं तो ये जितना फैराडे है उसको इस नंबर से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। फाइन, कितने टेक्निक्स हैं क्वेश्चन करने के, क्लियर, तो इसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से, ये 4 मोल
चार्ज चाहिए एक मोल डिपॉजिट कराने के लिए, इससे कितने होंगे 0.2 होंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको लिख लीजिए पूरे ढंग से। देन नाउ वी विल मूव टू अ सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडे। क्लियर, लेट्स हैव इट। नेक्स्ट इज फैराडेस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फाइन, फैराडे का दूसरा लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसके अकॉर्डिंग व्हेन इक्वल चार्जेस इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यहां पे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, व्हेन इक्वल चार्ज इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इक्वल चार्ज पास किया गया है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि वही सेम चार्ज की ही बात है कि सीरीज में सेम रहेगा, ठीक है ना। सो व्हेन इक्वल चार्ज इज पास थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन देयर मास डिपॉजिटेड्स या देयर रिस्पेक्टिव मास डिपॉजिटेड्स is in the ratio of electrochemical equivalents or ratio of equivalent mass. दो cells अगर series में connected है, दोनों में से equal charge pass किया गया है, तो पहले में कितना मास डिपॉजिट होगा और दूसरे में कितना मास डिपॉजिट होगा। मास डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट Z1 इनटू Q होगा, जबकि मास डिपॉजिटेड इन सेकंड Z2 इनटू Q होगा। Q तो सेम है दोनों में, तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर इसका मास और इसका मास डिपॉजिटेड का रेशियो निकाला जाए तो वो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स हैं उनकी रेशियो में आएगा, क्योंकि Q तो Q के साथ कट जाएगा। एक और बात की जा सकती है, अगर हम यहाँ पे E को पुट कर दे, दैट इज E1 अपॉन 96500, दिस इज E2 अपॉन 96500, अल्टीमेटली इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये कहना चाहता है ये पर्टिकुलर लॉ कि अगर दो सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके जो मास डिपॉजिटेड हैं वो या तो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स के रेशियो में आएंगे या फिर उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो में आएंगे। दिस इज द फाइनल फॉर्म व्हिच वी हैव लेफ्ट विद, ये फैराडे का फाइनल इक्वेशन है। क्लियर, द मास डिपॉजिटेड्स इन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स और इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। क्लियर, तो कैसे ये पर्टिकुलर चीज हेल्प करती है न्यूमेरिकल में। तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मास डिपॉजिटेड दिया होता है, दूसरे में हमें निकालना होता है। फाइन, तो कैसे ये काम करेगा, लेट्स हैव इट। एक न्यूमेरिकल के फॉर्म से हम सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। An electric current is passed through three cells. समझा दो से था, डाला तीन का, यही खूबसूरती है सब देखने की। Three cells connected in series containing ZnSO4, acidulated water and copper sulfate respectively. Fine, this is respectively. What amount of zinc and hydrogen are liberated? कितना zinc और कितना hydrogen liberate होगा when 6.25 gram of copper is deposited? अगर 6.25 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है और कुछ भी नहीं दिया है, क्लियर, मतलब बेसिकली हमें सेट भी खुद सोचना है, सोच के देखिए। सेट से ज्यादा काम नहीं, हम इक्विवेलेंट मासेस से ले लेंगे, दैट इज W1 अपॉन W2। फाइन, मैं ये वाले को फर्स्ट सेल मान लेता हूं, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। क्लियर, तो W1 अपॉन W2 मैं ले लेता हूं E1 अपॉन E2। क्लियर, एंड क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है, तो
आई विल मेक द इक्वेशन विद 3, पहले 1 की 3 के साथ इक्वेशन बना लेता हूं। मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक, ये तो मेरे को निकालना ही है, मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर ये दिया हुआ है 6.25, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 मतलब जिंक, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये बेसिकली है 65.5 का हाफ, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास। एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर होता है 63.5 का हाफ, क्लियर। एंड यहां से मेरे पास क्या होगी, सॉल्व हो गया है, W1 सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर। ये हमने कहां से निकाले हैं, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर से, ये जिंक का मोलर मास है, मतलब बेसिकली एटॉमिक मास, एक मोल का मास जो होता है, एक मोल जिंक का मास जो होता है 65.5/2, तो ये कॉपर का लिया हमने यहां पे, क्लियर। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे फिर, W2/W3 = E2/E3, फाइन, एंड देन वी विल सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर, क्लियर, कोई दिक्कत। हमारे पास तीन चीजें हैं यहाँ पे, यहां से W1 निकालना है, यहां से W2 निकालना है, आप इस 2 वाले की इक्वेशन 1 वाले के साथ भी मैच कर सकते थे, कोई दिक्कत, फाइन। सो वी आर डन विद द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, थैंक यू सो मच।